नमस्कार साथियों, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है बी एच यू वाले द हिस्टोरिका के इस चैनल पे। CUQP 11 यानी BHU MBA, उसके साथ साथ LLB और MPMIR और ऐसे MSW वगैरह कोर्सेज के बारे में पूरी जानकारी जो है वो इस वीडियो में आपको मिलने वाली है कि इसका कट ऑफ क्या जा सकता है। कट ऑफ अगर आ जाता है, आपका फाइनल एनालिसिस आ जाता है, तो उसके बाद का प्रोसेस आपको क्या करना होगा, GDPI का कॉल लेटर क्या होता है, GDPI में होता क्या है एग्जैक्टली, ये सारी बातें हम आज के इस वीडियो में करने वाले। LLB वाले बच्चों को भी बिल्कुल राहत मिलेगी, उनको भी सारी जानकारियां जो है वो इस वीडियो में दी जाने वाली है। तो जुड़ जाइए हमारे साथ, चलते हैं, शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। इससे पहले वीडियो को शुरू करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन हिट कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर आपको इंफॉर्मेशन, नोटिफिकेशन से जुड़ा सारी चीजें और साथ साथ इंटरव्यूज कई सारे आपको मिल जाएंगे LLB के बच्चों के। साथ ही प्रीवियस ईयर अगर आप पिछले साल का देखना चाहें, LLB का कट ऑफ कितना था, वो सारे वीडियोज भी पड़े हुए हैं, प्लेलिस्ट में आप जाकर के देख सकते हैं। उसके साथ साथ हमने इंटरव्यूज लिए हुए हैं MBA के बच्चों के, जिसमें हमने उनसे बातचीत किया है कि प्लेसमेंट होती है नहीं होती है, इन सारे विषयों पे हमने बातचीत किया हुआ है, तो उस वीडियो को भी आप देख सकते हैं। शुरू करते हैं, तो आज हम यही कट ऑफ जो है वो कितना जाएगा इसके बारे में भी हम बातचीत करने वाले हैं। सबसे पहले आप देखेंगे कि जो आपका MBA है वो जो आता है वो फैकल्टी ऑफ कॉमर्स के अंतर्गत आता है, ठीक है। दो तरह के MBA BHU में चलाए जाते हैं, एक होता है आपका नॉर्मल MBA होता है जो आपका CAT के थ्रू एडमिशन होता है BHU में, और दूसरा होता है फैकल्टी ऑफ कॉमर्स के अंतर्गत। इसमें आपके तीन कोर्सेज चलते हैं, पहला जो कोर्स है वो है MBA रिस्क एंड इंश्योरेंस, दूसरा है फॉरेन ट्रेड और तीसरा है FM यानी फाइनेंशियल मैनेजमेंट। इसको RI, FT और FM जो है वो शॉर्टकट में कूल बनने के लिए बोला जाता है, ठीक है। इसमें जो है इसका एडमिशन CUET PG के थ्रू होता है। हर साल जो है वो इसका कोड CUQP 12 रहा करता था, जो कि नॉर्मल एक कोड था, जो कि आप इस बार भी जनरल MBA के लिए यही कोड है, लेकिन BHU ने इस बार चकमा देते हुए बच्चों को LLB के साथ जो है वो MBA का एडमिशन लेने का तय किया हुआ है। बात आई समझ में? तो यहां पर क्या है कि MBA का जो फी लगता है, इसके बारे में थोड़ा सा देख लेंगे कि आपका मिनिमम यहां पर MBA रिस्क मैनेजमेंट में 15 जो है वो बच्चों का एडमिशन होता है, मैक्सिमम 40 है, यानी अगर हम बात करें तो 40 40 40 59, लगभग जो है वो यहां पर 80 और साथ में 60 और ऐड कर देंगे तो 140 के आसपास जो है वो सीटें MBA की BHU में बन रही है। बात समझ में आई? उसके साथ साथ फीस की अगर हम बात करें तो ये चूंकि स्पेशल कोर्स है तो ऑलमोस्ट आपको 53,000 रुपए जो है वो पेमेंट करना होता है, 53,000 जो है वो यहां पर पेमेंट होता है। अगर आप बीए मतलब अगर आप यूपी वगैरह से हैं तो पूरा का पूरा जो है वो पैसा आपका छात्रवृत्ति स्कॉलरशिप के थ्रू आ जाता है, ठीक। दूसरी चीज हम बात करते हैं LLB के बारे में, तो LLB में आप देख सकते हैं यहां पर डिपार्टमेंट ऑफ लॉ, यहां पर इंटेक जो है वो 300 बच्चों का है, और साथ में LLM की बात करें तो 47 है। इसमें रेगुलर फीस जो होती है, यानी अगर नॉर्मल सीट से होता है एडमिशन आपका, जनरल सीट से, तो आपको 2582 रुपए पेमेंट करना होता है एक सेमेस्टर का, और दूसरे सेमेस्टर में ऑलमोस्ट 300 रुपए के आसपास लगता है, तो कुल मिला के 3,000 रुपए में आपका एक साल का जो है वो पढ़ाई कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन वहीं अगर पेड सीट पे एडमिशन होता है, पेड सीट क्या होती है, तब आपको 15,000 रुपए एक्स्ट्रा देना होता है। पेड सीट क्या होता है इसके बारे में थोड़ा सा समझ लीजिए। लेट्स अज्यूम कि जनरल का जो कट ऑफ है वो 300 में से ऐसा हम मान लेते हैं कि 230 चला जाता है, ठीक है, 230 जो है वो जनरल का कट ऑफ चला जाता है, तो आपका यहां से लेकर के जनरल से नीचे लगभग 5 नंबर और मान लीजिए 225 से ऊपर, ठीक है, 225 से ऊपर और 230 से नीचे वाले बच्चों का एडमिशन पेड सीट पर लिया जाता है। इसका जो परसेंटेज होता है वो 15% होता है। बात आई समझ में? यानी 300 में से 45 बच्चे ऐसे होंगे जिनका एडमिशन पेड सीट पर होगा। बात आ गई समझ में? नेक्स्ट जो है वो LLM की अगर हम बात करें तो 30,000 पेड सीट का है और 3,032 रुपए जो है वो रेगुलर सीट से अगर आपका एडमिशन होता है तो उसके पेमेंट आपको करना होता है, ठीक। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं MSW का। यहां पर आप देखेंगे कि इसका कोड ये दिया हुआ है, 59 सीटें हैं और ये सोशियोलॉजी डिपार्टमेंट के अंतर्गत आता है। इसमें 30,000 आपको अगर पेड सीट पे होता है और साथ ही साथ 30,000 देना ही होगा क्योंकि ये स्पेशल कोर्स है, तो 30,000 और प्लस में 2,757 रुपीज आपको पेमेंट करना होता है, ठीक। उसके साथ साथ MPMIR ये देख सकते हैं, डिपार्टमेंट ऑफ साइकोलॉजी, इसका जो है वो काफी ज्यादा मांग इस बार बढ़ चुका है, ठीक। उसके साथ साथ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, ये
पॉलिटिकल साइंस के अंतर्गत आता है, इसका एक अलग से कोड होगा, मुझे एग्जैक्ट अभी आइडिया नहीं, लेकिन आपको MPMIR, MSW और उसके साथ साथ सोशल एक्सक्लूजन हो गया, उसके बाद और भी कुछ कोर्सेस हैं जो कि किस में आते हैं, COQP 11 के अंतर्गत इनका एडमिशन जो है वो होता है। ठीक है, समझ में आ गई बात। यहां पर फीस जो है वो सबका देख ही सकते हैं आप, 60,000 जो है वो MPMIR है। अगर हम एंथ्रोपोलॉजी बात करें तो 30,000 प्लस आपको ये देना होगा। अगर हम पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें 15,000 प्लस 2,700 जो है वो आपका पेमेंट होता है। ठीक, नेक्स्ट आ जाते हैं। यहां पर जो लिखा हुआ BPED वगैरह भी कोर्स जो है वो इसी के अंतर्गत COQP 11 के अंतर्गत ही लाया गया है। ठीक, तो यहां MLib की भी बात करें अगर हम, तो MLib में भी काफी अच्छा स्कोप है। और साथ ही साथ एक चीज और बता दूं कि इसमें जो है वो एडमिशन बहुत आसान होता है। अगर आप BHU में एडमिशन लेना चाहते हैं और COQP 11 के अंतर्गत आपको फॉर्म भरना है, तो मैं बता दूं कि सबसे पहला जो कट ऑफ जाता है वो LLB का जाएगा। ठीक है, LLB का कट ऑफ जो है सबसे हाई रहेगा। दूसरा जो कट ऑफ आता है वो आता है MBA का, MBA जो है वो उसके नीचे रहेगा। तीसरा जो रहता है वो रहता है MPMIR, MPMIR का हालांकि अब थोड़ा थोड़ा जो है वो क्रेज बढ़ने लगा है। और तीसरा और सबसे लास्ट में जो होता है वो आपका MLib होता है, उसके नीचे जो है वो क्या आता है, MSW वगैरह जो है वो कोर्सेस आते हैं। हालांकि अपने पसंद के अनुसार आप इसको ऊपर नीचे भी कर सकते हैं। ठीक है, समझ में आ गई। चलिए, तो यहां ये सारी चीजें आप लोगों को समझना है कि कौन सा जो है वो कोर्स COQP 11 के अंतर्गत आता है। यानी अगर आपने COQP 11 दिया है तो केवल LLB ही नहीं, केवल MBA ही नहीं, बल्कि आप ऐसे कई सारे कोर्सेस, MPMIR हुआ, उसके बाद आपका MLib हुआ, इन सारे कोर्सेस में आप अप्लाई कर सकते हैं। इनका क्राइटेरिया आप एक बार इसको देख लीजिएगा वीडियो को पॉज करके। ठीक, BPED में भी आप भर सकते हैं। अब यहां पर आगे आ जाते हैं। यहां पर जो है वो लिखा हुआ है COQP 11 का MBA का फॉरेन ट्रेड है, उसके साथ साथ इंश्योरेंस और फाइनेंशियल मैनेजमेंट जो है वो होना चाहिए। यहां पर किसी भी डिसिप्लिन से अगर आपने बैचलर्स किया है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक, अब हम आ जाते हैं कट ऑफ के बारे में। कट ऑफ जो है वो LLB की अगर हम बात करें तो LLB का जो है वो सीधा सीधा एडमिशन होता है, इसमें कहीं भी कोई GDPI वगैरह का चक्कर नहीं है। आपको सीधा लिंक भेजा जाएगा कि आप पेमेंट करिए 24 घंटे के अंतर्गत। आप जैसे ही पेमेंट करते हैं आपका एडमिशन जो है वो सक्सेसफुल हो जाता है। ठीक, इस जो हम इस 2023 की अगर हम बात करें, ठीक है, 2023 में जो कट ऑफ रहा था वो NTA स्कोर अगर आपका 276 से 226 जो है वो 276 से लेकर के 272 के आसपास तक का अगर आपका रहा हो तो यहां पर जो है वो 400 में से इन बच्चों का एडमिशन हुआ है। बात आई समझ में? तो इस बार का अगर मैं एक अंदाजा लगाना चाहूं, चूंकि पेपर का लेवल हमने देखा, कई सारे बच्चों के गूगल फॉर्म्स देखे, और इन सारी चीजों को देखने के बाद DU LLB और BHU LLB, ये दोनों COQP 11 में ही आते हैं, तो मुझे ये आइडिया लगा कि अगर आपका मार्क्स 230 से ऊपर है, ठीक है, 230 या 220 भी अगर आप मान सकते, 220 से ऊपर है तो आपके चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। ठीक है, क्योंकि इतना लाना ही कठिन है, लेकिन इतना लाना कठिन भी नहीं है बहुत, क्योंकि SSC वगैरह के बच्चे इसमें पार्टिसिपेट किए हैं, इस वजह से कट ऑफ जो है वो बहुत हाई चली जाती है, क्योंकि उनके लिए मैथ्स जो है वो क्या होता है, एकदम आसान होता है सॉल्व करना, मैथ्स रीजनिंग वगैरह का पोर्शन बहुत ज्यादा रहता है। ठीक, उसी तरह से EWS की बात करें तो EWS में आप यहां पर क्या कर सकते हैं, 10 मार्क्स और माइनस कर सकते हैं। अगर हम OBC की बात करें तो OBC का लगभग, SC ST की बात करें में और आप क्या कर सकते हैं, 35 और वैसे वाले बच्चे माइनस कर सकते हैं। बात आ गई समझ? चलिए नेशन की तरफ आगे चलते हैं। MBA के बारे में हम कर लेते हैं। MBA और जो स्पेशल कोर्सेस है, जो बात किया, MIR बात किया, उसके बाद एंथ्रोपोलॉजी की बात की, तो इन सारे कोर्सेस में एक नई चीज होती है। पहला चीज होता है आपका रिटेन जो आपने दे दिया है। ठीक है, रिटेन यानी NTA का जो आपने CVT PG का एग्जाम दिया है, और उसके साथ साथ आपको GD+PI आपको इस फेज से भी गुजरना होता है। ठीक है, ठीक, ये चीज पहली चीज आपको समझना है। तो आपका लेट्स एज्यूम आपके जो मार्क्स हैं वो 180 आ रहे हैं। ठीक, 180 अगर आपका आ रहा है, आपने BHU में रजिस्ट्रेशन कर दिए सारे कोर्सेज के अंतर्गत, तब आपको एक कॉल लेटर इशू किया जाता है। कॉल लेटर ऑलमोस्ट 4x बच्चों को भेजा जाता है। यानी अगर हम बात करें 140 सीटें हैं, अगर 140 सीटें हैं तो यहां पर क्या हो जाएगा, ऑलमोस्ट 42 है ना, यानी 420 बच्चों को जो है वो तीन गुना बच्चों को, है ना, तीन गुना से मान लीजिए कि अगर चार गुना कर देते हैं तो 56 है ना,
560 स्टूडेंट्स को जो है वो यहां पर कॉल लेटर भेजा जाएगा और इन लोगों को बुलाया जाएगा कि भाई आइए आप जीडीपीआई में सम्मिलित होइए। जीडीपीआई का जो वैल्यू है वो हमें एग्जैक्ट तो अभी मतलब ऐसा किसी ने जारी नहीं किया कि क्या रहता है कि जीडीपीआई का जो मार्क्स है वो कितना वैल्यूएबल होता है, लेकिन हमने जब बच्चों से बातचीत किया, उनसे जाना, तो यही पता चला कि रिटेन के मार्क्स जो है वो बहुत ज्यादा मायने रखते हैं। फिर भी लगभग 20% आप मार्क्स मान सकते हैं कि 20% मार्क्स जो है वो आपके जीडीपीआई के मायने रखते हैं और 80% जो मार्क्स है वो किस चीज के मायने रखते हैं, आपके रिटेन के रखते हैं। ठीक है, तो अगर आपका जैसे 180 पे कट ऑफ जो है वो आपका चला जाता है कॉल लेटर, तो यहां पर आप आएंगे जीडीपीआई देंगे। जीडीपीआई का मतलब क्या है कि यहां पर ग्रुप डिस्कशन होगा और साथ में पर्सनल जो है वो इंटरव्यू आपका लिया जाता है। इसमें अलग-अलग टॉपिक्स होते हैं जिस पर बातचीत होती है, उसके साथ-साथ आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, आपका आप क्यों एमबीए में एडमिशन लेना चाहते हैं, आपकी हॉबी क्या है, ये सारी चीजें क्वेश्चंस आपसे पूछ करके एक मार्किंग आपकी की जाती है और उसके आधार पर ही एडमिशन जो है वो दिया जाता है। देन आपका फाइनल स्कोरिंग है, तो जो मानना है कि आपका कॉल के लिए हम एमबीए करें, ठीक है, अगर हम एमबीए की बात करें तो बीए वाले बच्चों के लिए आपका कट ऑफ जो है वो कॉल लेटर के लिए 190 प्लस जनरल का जाना चाहिए। ठीक है, जनरल का कितना कट ऑफ जाना चाहिए, 190 प्लस अगर आपके मार्क्स है तो आपका कॉल लेटर आ सकता है, लेकिन एडमिशन के लिए आपको क्या करना होगा, जीडीपीआई में फोड़ना होगा, बहुत अच्छा करना होगा। लेकिन अगर यहीं आपके मार्क्स लगभग 210 के ऊपर हैं, 210 तक अगर आप मार्क्स लेकर के आए हैं पेपर के लेवल को देखते हुए, तो आपकी श्योरिटी है कि अगर आप जीडीपीआई में थोड़ा बहुत अच्छा नहीं भी करते हैं, अगर बहुत मेजर गलती नहीं करते हैं, तो फिर आपका एडमिशन आसानी से हो जाएगा। ठीक, वहीं अगर हम बात करें ईडब्ल्यूएस की, तो ईडब्ल्यूएस में 180 प्लस वाले बच्चों को, सभी बच्चों को जो है वो कट जो है कॉल लेटर जाने वाला है। उसके साथ अगर हम ओबीसी की बात करें तो 175 मार्क्स आप ले सकते हैं, अगर हम एससी एसटी की बात करें तो 130 से 140 के आसपास भी बच्चों को कॉल लेटर भेजा जा सकता है। ठीक, बात आ गई समझ में। उसके बाद आपको जीडीपीआई का प्रोसेस समझना है तो आप एक इंटरव्यू का वीडियो हमने डाल रखा है, आप वहां पर जाकर के उस वीडियो को देख सकते हैं। सेम जो है अप्लाई होता है, इसमें से 10 मार्क्स और कम कर लेंगे तो एमपी एमआईआर का आपको आइडिया लग जाएगा, इससे 10 मार्क्स अगर कम करेंगे तो एमएसडब्ल्यू और साथ में जो कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट आदि कोर्सेस हैं इसके बारे में भी आपको जानकारी लग जाएगी। तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं, बाकी अगर कोई डाउट आपका बच गया हो तो आप कमेंट बॉक्स में बता करके आप पूछ सकते हैं, मैं कोशिश करूंगा कि आपका रिप्लाई करके आपको जवाब देने का प्रयास करूं। ठीक है, बस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। अगर वीडियो अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। मैं बसंत लेता हूं अलविदा, बहुत बहुत धन्यवाद।